ये उसके भाई, ये भाई है सर, ये फादर उसके भाई, ये सोफिन का फादर है, ये इसकी छोटा भाई। इन्नल्लाह मा साबरीन, आप सफर वाले हैं, अपनी सफर को मत छोड़ो। वो जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ है, हमें पता है एक्सीडेंट इस एक्सीडेंट, हमें यकीन भी है इंशाल्लाह ताला एफसी में जनरल हमारे इन बच्चों के साथ, इन लवाकिन के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आएंगे हम। ये जो मासूम जाने इस हादसे का शिकार हुई हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई उसके पीछे कोई बंदा ये कोई रीज़न की वजह नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी वाकये की मेरे ख्याल में हर शख्स उसकी मजम्मत ही करेगा। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जो वाकये में मुलव्वस लोग हैं, इसके ऊपर भी आप लोगों को मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि कानून के मुताबिक किसी किस्म की तफरीक नहीं बरती जाएगी। जो भी इस हादसे के जिम्मेदार लोग हैं, उनको कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। आपके यूट्यूब में तीन तीन छः छः जंप्स बने हुए हैं, स्पीड ब्रेकर्स, बड़ा मोहल्ले की गलियों से घूमते, वो जो है सड़क जाती है, यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर नहीं है। अगर यही हालत रही तो मुस्तकबिल में और मसाइल आते रहेंगे। सोशल मीडिया कुछ एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो मतलब इसको काफ़ी हद तक इसको ऐसे मतलब उछाल रहे हैं। देखें, ये एक हादसा था, जो भी था, जिसकी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई में मुताबिक जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएंगे। जो सानिया हुआ है, जो हमारे जो कुछ लोग वहाँ पे शहादत पा गए, उनके वजह से वो लोग शहादत पा गए हैं, और जो बीमार हैं वो क्रिटिकल अंदाज में हैं, तो जितना जल्दी हो सके उनके ट्रीटमेंट के लिए CMS में या इस्लामाबाद CMS में रिफ़र करें। उनको जितने वो चीज़ें ज़रूरत है, आप लोगों से गुजारिश है, आपसे स्पेशली, कि वहाँ पे फिल फॉल ये चीज़ें करें। गुजारिश ये है, जिस रैंक का चाहे मेजर हो, चाहे कर्नल हो, चाहे हवलदार हो, जिस रैंक का आर्मी पर्सन को अगर है, तो हमें यकीन नहीं है, वो तो वाकई करार बरा के लड़कों ने पूछा है, जिस वो जो गाड़ी में बैठा हुआ था, वो पाक फौज के जो दो जवान, उनसे पूछा तो एक ने कहा हवलदार है, एक ने कहा मैं सिपाही हूँ, सिंध से हूँ। वो चीज़ें क्लियर है, आप इन चीज़ों को इशू करके इस तरह के रेट मत करें, क्योंकि ये अफवाह फैलाने से, क्योंकि आवाम में भी एक इंतशार आएंगे, इलाके में एक फसाद आएंगे। कल जो वो फेक चीज़ें चलाया है कि कर्नल साहब था, जनरल साहब था, ब्रिगेडियर साहब था, ये हमारा नहीं है, ये कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कोई सियासी चीज़ें या नऊज़ बिल्लाह क्या कह सकते हैं, मौत के ऊपर भी सियासत की बात कर, अल्लाह ताला इनको, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, उनको जो ना हमने अपने उसमें रख के उनको उनके ख्याल में रख के जितना हो सके अच्छे अंदाज में और अच्छे उन बेचारों को बड़ा لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين मोहतरम जनरल साहब, नायब कमिश्नर साहब, बड़ा मोहतरम दीगर तशरीफ लाए हुए मेहमान, खुसूसी मेहमान हुए जितने भी लोग हैं, इन सब को अस्सलाम वालेकुम। सर, कर हमारे यहाँ एक मातम था, इस वक्त मातम था, लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रो रहा था, अल्लाह के निज़ाम है, इंसान ज़मीन में जाने की बात सफर आ गया। कल इतनी बड़े सहने होने के बावजूद हमने अपने सफर को नहीं छोड़ा, हमने गांछे को MH को ख़राब नहीं किया, हमने सबूत दिया कि गांछे वाले कितना पुरअमन है,
हमने सबूत दिया है, फौज हम है, हम फौज है, हम है तो आप है, आप है तो हम है। कल कमांडर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने लोगों के इनको इनके साथ बैठ के इनके साथ मिल के फातिहा करने के लिए शामिल को ले आया था। इसके लिए भी लोगों ने कहीं ना कहीं को न्यूज़ बनाने की कोशिश किया कि कर्नल साहब कहकर कमांडर साहब क्यों आया, कमांडर साहब इस तरह ऐसा। हमारे यहाँ बिलखसूस इस पट्टी में इस बरह में कल इतनी बड़ी साना होने के बावजूद होना तो लोगों ने कोशिश की। मैंने कहा रिक्वेस्ट किया थे को ये हमारा पैगाम नहीं है, हमारा पैगाम यह है सफ़र है, इन्नल्लाह मा साबरीन, आप सफ़र वाले हैं, अपनी सफ़र को मत छोड़ो। वो जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ है हमें पता है, एक्सीडेंट इस एक्सीडेंट एक्सीडेंट कोई जान के नहीं करता है। एक मुर्गी बचाते बचाते कई लोग मर जाते हैं एक मुर्गी के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मोहतरम, हमें आप इधर आने के लिए हमें पता लगा कि आप हमारे साथ हैं, आप इस गरीब आवाम के साथ हैं। इनमें चंद जो फौत हो चुके हैं उनकी घरेलू बहुत सारा मसाइल है। कल न जाने माँ इंतज़ार कर रहा था बच्चे ईदगाह होके वापस आएगा, जाते जाते पत्नी किस तरह देखा था अपने बच्चे को, मेरे बच्चे आज कितना खूबसूरत लगते हैं। वापसी में मातम हुआ इधर, वो आपको पता नहीं है यहाँ क्या हुआ। मुझे कल मुझे लोग आया, मैंने कहा आज सादगी है, आज कोई इसके ऐसे चीज़ नहीं होगा। तो मैं आपसे मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि ये सियासी बात नहीं है, ये हकीकत है। इन गरीबों को ख्याल रखें, ये बहुत गरीब है। आप हमारे हलके में पहले भी रह चुके हैं, आपने इन पूरे पट्टी को जानते हैं, और आपको अपने जहन में इस बात का सबूत रहना चाहिए कि ये कितने पुरामन लोग हैं, कितने अच्छे लोग था। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कल जो वो फेक चीज़ें चलाया हैं कि कर्नल साहब था, जनरल साहब था, ब्रिगेडियर साहब था, ये हमारा नहीं है। ये कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कोई सियासी चीज़ें या नऊज़ुबिल्लाह क्या कह सकते हैं, मौत के ऊपर भी सियासत की बात करें। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इन लोगों को हकीकत बयान करने की तौफीक दे। हमारे इन लोगों का यही आपसे रिक्वेस्ट है सर, आइंदा बहुत सारा जॉब आ रहे हैं, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, इनका हक बनते हैं, इनके लिए कोई जॉब का वो कर लीजिएगा। और बाकी ये गरीब लोग हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं, आप मखूबी जानते हैं इस ओवरऑल बल्तिस्तान में, आपने इधर रह के गया है। कर हमें कॉल आया था, कल साथ में मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, कर जनरल साहब आ रहा है, हम उनके लिए लंच बंच का भी बंदोबस्त करते हैं। तो उन्होंने कहा आप लंच बंच के बंदोबस्त न करें, शॉर्ट टाइम होते हैं। तो आपका आना हमारे लिए सबूत है, हमारे लिए हौसला है। इंशाअल्लाह ताला आप इन गरीबों को पर मरहम पट्टी रखेगा, इन लोगों के लिए इंशाअल्लाह आपके हम पूरा उम्मीद रखते हैं कोई गुड न्यूज़ दे जाएगा। हमारा कमिश्नर साहब भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा वो हैं, इन्होंने कहा हाजी साहब आप लोगों ने इस तरह कर लिया है, इंशाअल्लाह हुकूमत आपके साथ कुर्बान हो गया। हमने कहा हम हुकूमत पे कुर्बान हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे लोग हैं। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है आप इन ये जो बैठे हुए हैं, इस बेचारे को बाप बाहर कोई मजदूरी कर रहा था, एक बेटा मर गया, दूसरा जख्मी है, तो वो माँ बार बार बेहोशी आलम में है। लोग जाके मैं तो करता हूँ, इनको मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला आप इत्मीनान रखें, हुकूमत आपके साथ है, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए खुशी का पैगाम लेके आएगा। जिन्हें सब तशरीफ लाए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम चीज़ों को लंबा नहीं करते हैं। हम ये जो लाइन हैं वो दो नौ मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम इस महफिल में नहीं करेंगे। साहब से रिक्वेस्ट है सिर्फ और सिर्फ हमें एक मिनट दे दो, वो आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे वो आपको मिल लेगा तो बड़ी अलग से मिलना चाहते हैं। बाकी जितने भी तशरीफ लाए हैं सब के सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे साथ इस गम में बराबरी के शामिल हुआ। कल से ये हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला सब दुआ करते रहो, इनको सब्र दें, और इंशाअल्लाह ताला साहब आए हैं तो इंशाअल्लाह साहब ने हमारे रास्ते में बात हुआ, कमिश्नर साहब ने भी बोला, मैंने कहा मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं आपके साथ गिलगित में भी आते रहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट होते रहेंगे। इनके ऊपर मरहम पट्टी जो है, जाने वाला चला गया, जो रहने वाला है कम से कम सुख की कुछ सांस लें। हमारा बेटा तो चला गया, उसके तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपके मेहरबान की ज़रूरत है, आपकी शफकत की ज़रूरत है, इसको हम के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रहमान रहीम साथ लगाव रखने वाले हैं, और हमारे तरफ से
जो इधर जो सियासी हुकाम थे उन्होंने भी आपको मैसेज दिया, जो मीडिया पे जिन्होंने प्रोपेगंडा जिन्होंने गलत मैसेज दे रहा है वो हमारे कम्युनिटी से हमारा मसलक से हमारा तख्तात से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो अपने तरफ से एक शख्सियत की मैसेज है, वो हमारे कम्युनिटी से हमारे पे कोई ताल्लुक नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला पाक फौज के साथ हमारा जो दिल्ली जो एक दूसरे का एक ताल्लुकदारी है मोहब वतन है पाक फौज के साथ एक मोहब्बत है, वो मोहब्बत आज भी कायम है कल भी था और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए मैं एफ सीनियर जनरल ब्रिगेडियर साहब कर्नल साहब दीगर पाक फौज के आला हुकाम से मैं गुजारिश करता हूँ इनको जो शहरों में जिस तरह माली ताउन किया जाते हैं जो पंजाब की तरफ सिंध की तरफ इसी तरह हमारे इन मुहब्ब वतन जो कि पाक फौज से भी शमूलियत रखते हैं मुहब्ब वतन भी है अल्लाह की वजह से यह खत्ता अमन का दाई है, इनको आप लोग माली ताउन जो शहरों में करते हैं इनको जो इनके घरों में से एक एक मुलाजिमत हो गया तो आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार होगा और हाँ आप और हमारा पाक फौज का एक हमदर्दी और मोहब्बत इंशाल्लाह ताला इस तबके में बेहतरीन और एक मैसेज जाएगा पाक फौज की तरफ से किस तरह शफकत करते हैं जो कि पाक फौज की और हमें यकीन भी है इंशाल्लाह ताला एफ सीनियर जनरल हमारे इन बच्चों के साथ इन लवाकिन के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आएंगे, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जनरल साहब को और कमिश्नर साहब डीआईजी साहब आप लोग इतनी दूर से तशरीफ़ लाए वेलकम कहना चाहूँगा, साथ में सबसे पहले तशक्कर ही करूँगा हमारे मिनिस्टर साहब के क्योंकि कल उन्होंने जिस तरीके से डील किया, डिप्टी कमिश्नर साहब के एसपी साहब और हमारे एओ इसाक साहब और अब्दुल साहब ये तीन चार बंदे हैं जिन्होंने कल हमें जिस करप्ट में थे हम जिस मुसीबत में थे तीन तीन लाशें हमने उठाई और तीन तीन जख्मी हमारे शदीद जख्मी होने के बावजूद इन्होंने हमें जिस सब्र का हाजी साहब ने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें तलकीन की उसके बाद भी हम रह ना पाए। मेरी गुजारिश ये है सर कि आपके यूचुंग में तीन तीन छः छः जंप्स बने हुए हैं स्पीड ब्रेकर्स बरा मोहल्ले की गलियों से घूमते वो जो है सड़क जाती है यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, अगर यही हालत रही तो मुस्तकबिल में और मसाइल आते रहेंगे। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि यहाँ बरा में क्योंकि ये बड़ी सड़क है और जो पूरी जो है नालाजात को यहाँ से रोड जाती है तो यहाँ से ट्रैफिक भी तेज़ होती है ऊपर से मोहल्ले भी बिल्कुल इससे जो है कनेक्टेड है, इस हवाले से यहाँ पे मुस्तकबिल में भी जो है तशवीश का शिकार है। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ये जो मुलजिमान हैं हम तो हमने ये बात सुनी है कि मुलजिमान कुछ और हैं, मुलजिमान किसी ऊपर अपर रैंक्स के हैं लेकिन उनको बचाने के चक्कर किए जा रहे हैं, एक हवलदार का नाम यहाँ पर लाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है अब आप यहाँ आए हैं तो हमें एक तसल्लियत है, आपकी हमारी पहली भी मुलाकात है तो मेरी आपसे गुजारिश है इन लवाहितीन के साथ किसी कस्म की नाइंसाफ़ी होने की सूरत में बहसियत सिविल सोसाइटी हमने आज फैसला कर ली है कल शाम में 15 से 20 दिन के अंदर हम आपके लाए अमल को देखने के बाद हम दोबारा अगर इनके साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ तो हम सर सड़कों पे आएंगे भले आप हमें उठाएं या रखें वो आप पर है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा मुझे तो कल इंतहाई अफसोस इस बात की हुई, कमांडर साहब बड़े ही नफीस इंसान हैं लेकिन कल थाने में जब तशरीफ़ लाए तो मुझे बहुत दुख हुआ, कमांडर साहब को आना चाहिए था मेरे लवाहिकीन के घर, कमांडर साहब को पूछना चाहिए था मेरे लवाहिकीन के हवाले से, वहाँ थाने आए तो मेरा दिल तो जल कर उठ गया जल गया। तो मेरी आपसे गुजारिश है
कमिश्नर साहब से गुजारिश है, अब मेरे हजी मोहतरम और डिप्टी कमिश्नर साहब इंतहा ये लोग कल से खुलूस से जिस तरीके से ये दिन रात करके काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उस वजह से अपनी गुफ्तगू शार्ट करना चाहूँगा, वरना मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इन मुलजिमान को सजा दिए बगैर, इन मुलजिमान को सजा दिए बगैर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन मेरे हजी साहब क्योंकि मेरे रहनुमा हैं, उन्होंने जो बात बताई अब वो उसी हिसाब से आप और इनका हम बहसियत सिविल सोसाइटी ये मुतालिबा करते हैं कि जो मुलजिम हो वो मेजर रैंक का हो या कर्नल, उसको हवलदार के हमने जो बात सुनी है वो ये है कि हवलदार के जगह पर रिप्लेस कराया गया है। अगर ऐसा है तो इस पाक फौज के लिए हमारे दिलों में अच्छे जज्बात नहीं हो सकते हैं सर, तो काइंडली आप इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा कि आप आए हैं इसलिए हमारे जो कलीजा है वो काफ़ी ठंडा हुआ है, लेकिन ये है कि आपके आने का मकसद होना चाहिए और इन लवाहिकीन को इंसाफ मिलने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आमन अंसारी एडवोकेट एक्स लेजिस्लेटर गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पाक आर्मी की तरफ से जो आए हैं। मैं सबसे पहले गांछी एडमिनिस्ट्रेशन को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने बर वक्त यहाँ पर कार्रवाई शुरू की और कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इस फ़ज़ा और अमन माहौल को ख़राब करना चाहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने फौरी तौर पर जो इकदाम उठाए उस फ़ज़ा को ख़त्म कर दिया जिसके लिए खराज तहसीन के लायक है। उसके बाद बहरहाल सोशल मीडिया कुछ एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो मतलब इसको काफ़ी हद तक इसको ऐसे मतलब उछाल रहे हैं। देखें ये एक हादसा था, जो भी था, जिसकी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई में मुताबिक जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएंगे। तो मैं पाक आर्मी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी तहकीकात करके इसकी जो भी, क्योंकि जो यहाँ पे मुतासरीन है उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है ये एक पुरअमन खत्ता है और आपको पता है कि ये एक बॉर्डर से मुंसलिक एक इलाका है, तो हम यही चाहते हैं आवाम से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पुरअमन रहे। और पाक फौज आर्मी वालों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि देखें ये सिर्फ ना एक इलाका है बल्कि एक महाज बॉर्डर एरिया है। तो मैं यही कहूँगी, मेरी एक रिक्वेस्ट अभी है क्योंकि मैं स्कर्दू में थी, मैं आज सुबह आई हूँ, तो मैं कल वहाँ पर जो ज़ख्मी थे उनकी मैं आयादत के लिए गई थी, हमारी पूरी टीम। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है पाक आर्मी वालों से, अभी फवाद साहब बता रहे थे कि एमएस साहब के साथ मिलके, मगर वहाँ पे कोई अच्छी ट्रीटमेंट का वहाँ पे नहीं था क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोग भी गए हुए थे, हमने बाकायदा उसकी वीडियोस भी बनाई है, हमने बाकायदा उसकी पिक्चर्स भी ली है। तो मेरी गुजारिश है उनको शिफ्ट किया हमने आइसोलेशन वार्ड में, नहीं देखिए आइसोलेशन वार्ड में किया होगा अभी सुबह हमें पता चला, मगर ये है कि हमारी रिक्वेस्ट ये है क्योंकि उनके सरों पर एक बच्चा था, थोड़ा सा सर इंजर्ड है। तो मेरी गुजारिश ये, देखें आपके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, जो मतलब फोत हो गए हैं हम उनके लिए सब्र कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, जो इस वक्त हैं जाने हैं उनको बचाने की ज़रूरत है, बेशक छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो। तो मेरी गुजारिश ये है कि क्योंकि सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह की फैसिलिटीज़ स्कर्दू हॉस्पिटल में नहीं है, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनको कन्विंस वगैरह दें कि उनको फौरी तौर पर अगर सीएमएच में आप रेफर शिफ्ट करवा लें और उसके बाद जो है उनकी जो फर्दर अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि उनकी फर्दर ट्रीटमेंट का आप बंदोबस्त करें। जो फोत हो गए उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, जो है उनकी जान को हमने बचाना है। तो मैं एक दफ़ा फिर कमिश्नर साहब यहाँ गांछे की एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और पाक आर्मी वालों का भी कि आप लोग इस चीज़ पर गहराई से डीपली आप लोग तहकीक करें और जो इस पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ना हम इजाज़त देंगे, और अगर कोई इसको पुरफजा को ख़त्म करने की कोशिश की न करने देंगे हम आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनरल साहब का मशहूर हूँ, आप लोग बर वक्त यहाँ पे आए हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, कल से कमिश्नर साहब यहाँ पे हैं, दीगर जो लोग यहाँ पे आए हैं, कल से जो फिजाई माहौल थी अचानक हादसे की वजह से सानिए की वजह से बहुत ख़राब चल रहा था, आप लोग आए आपका भी और जो हमारे यहाँ ब्रिगेड साहब यहाँ पे कल आ रहे थे तो हालात ठोक दी था, हाजी साहब ने भी थोड़ा वो की, हमें फिल फॉली ये होना चाहिए जनाब से ये कि जो सानिया हुआ है, जो हमारे जो कुछ लोग वहाँ पे शहादत पा गए उनके वजह से वो लोग शहादत पा गए हैं,
और जो बीमार हैं वो क्रिटिकल अंदाज में हैं, तो जितना जल्दी हो सके उनके ट्रीटमेंट के लिए CMS में या इस्लामाबाद CMS में रिफ़र करें। उनको जितने वो चीज़ें ज़रूरत है, आप लोगों से गुजारिश है आपसे स्पेशली कि वहाँ पे फिल फॉल ये चीज़ें करें। गुजारिश ये है जिस रैंक का चाहे मेजर हो चाहे कर्नल हो चाहे हवलदार हो, जिस रैंक का आर्मी पर्सन हो अगर है तो हमें यकीन नहीं है वो तो वाकई करार जनरल एक बात लवाहकीन के साथ इमदाद की बहुत सी बातें की लेकिन एक बात रह गई वो क्या है इन शोहदा के नाम जो मासूम शोहदा है वो बरा से बिलोंग करते हैं इस ज़िले से बिलोंग करते हैं उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूशन तालीम के मैदान में कायम करें ताकि इन शोहदा का नाम हमेशा ज़िंदा रहे। आप लोगों को ये मंजूर है कि तरफ से मुझे फ़ोन आया था किसी की तरफ से, फिर मैंने कहा था इधर लवाकिन अभी उस पोजीशन में नहीं है जाके इधर फातिया के लिए आए आप थाने में, मैं भी एक इज़्ज़त वाला फैमिली से हूँ, मैं भी लीड कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस शोहदा की दुख में उनमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है इंसानियत है, मैं खुद थाने में आया हूँ, आप भी थाने में तशरीफ लाए उधर हम डायलॉग करेंगे कि कर मैंने मैसेज दिया था। दूसरा जो मेजर रैंक का कर्नल रैंक का इस तरह बता रहे, हमारा खुद बरा के लड़कों ने पूछा है जिस वो जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो पाक फौज के जो दो जवान उनसे पूछा तो एक ने कहा हवलदार है, एक ने कहा मैं सिपाही हूँ सिंध से हूँ, वो चीज़ें क्लियर है। आप इन चीज़ों को इशू करके इस तरह की रेट मत करें क्योंकि ये अफवाह फैलाने से, क्योंकि अवाम में भी एक इंतशार आएंगे, इलाके में एक फसाद आएंगे। गुजारिश है आप लोगों का, सबका शुक्रिया। देखिए यहाँ पे आज मेरे आने का बुनियादी मकसद जो था वो यही था कि एक बहुत ही अंदोनाक हादसा वाकया पेश आया है और मेरे ख़्याल में ये जो मासूम जाने इस हादसे का शिकार हुई हैं, कोई जवाज़ नहीं है, कोई उसके पीछे कोई बंदा ये कोई रीज़न की वजह नहीं बता सकता कि उसकी वाकये की मेरे ख़्याल में हर शख्स उसकी मजम्मत ही करेगा। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जो वाकये में मुलव्वस लोग हैं इसके ऊपर भी आप लोगों को मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि कानून के मुताबिक किसी किस्म की तफरीक नहीं बरती जाएगी। जो भी इस हादसे के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको कानून के हिसाब से पूरी सज़ा दी जाए, एक बात इस बारे में यकीन है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे ये तमाम जो लवाहकीन बैठे हैं इनकी इनके दुख को बांटने के लिए आया था। देखें हमारी अपनी औलाद है, इसमें कोई शक नहीं है, जो औलाद का दुख है ना वो उसका कोई अजाला नहीं कर सकता। दुनिया की जो मर्ज़ी चीज़ आज की तारीख में गवर्नमेंट दे दे, मैं दे दूँ, जो मर्ज़ी कर ले, वो उस बच्चे की जगह नहीं ले सकता जो इस दुनिया से चला गया है। और मेरे ख़्याल में ये जज्बात जो हैं वो हर उस शख्स के हैं जिसकी औलाद है, इसलिए मुझे इसको मज़ीद जो है ना कोई अल्फाज नहीं है जिनके अंदर मैं इनकी दिलजोई कर सकूं या किसी भी लफ्ज़ से इनके ज़ख्मों पे मरहम रख सकूं। मेरे ख़्याल में ये बहुत ही एक दुख की बात है और यहाँ पर सिर्फ आने का मकसद ये था कि एक तो मैं ज़ाती तौर पे जो मुझे दुख है मैं उसका इजहार कर सकूं इनके साथ। दूसरा देखें हमें इस बात पे हमेशा से फ़ख्र है कि जो ये इलाका है ना पूरा जीबी और ख़ास तौर पे खपरू, आप लोग तमाम यहाँ के रहने वाले हैं, बेतहाशा लोग, अभी मैं मिला हूँ तो कितने लोग रिटायर्ड हैं, ये ख़ुद हाजिर सर्विस जो है, बेतहाशा लोग यहाँ पे फ़ौज में नौकरी कर चुके हैं, बेतहाशा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जनरल एहसान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके अपने देखें ख़ानदान में कितनी कुर्बानियाँ दी, तो इस बारे में तो कोई शक ही नहीं है कि फ़ौज यहाँ पर
आप लोगों के बगैर यहाँ पर नहीं रह सकती थी, ना अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकती है, ना इस मुल्क के बॉर्डर की हिफाजत कर सकती है। तो ये जो एक रिश्ता है ना अवाम का और फौज का, वो इस कदर मजबूत है क्योंकि बेतहाशा लोग आपके खुद यहाँ के शामिल हैं, तो इसलिए वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि किसी भी वजह से ये कमज़ोर हो सकता है, इसमें तो मुझे कोई दूसरी राय है नहीं और ना ही हमें इस बारे में कोई दूसरी राय है कि फौज की भी पूरी कोशिश होती है कि हम भी जिस कदर मुमकिन हो हम कोशिश करते हैं कि हम भी जो भी जिधर फौज बैठी हुई है वहाँ के इलाके के लोगों के लिए जो भी एफर्ट कर सकते हैं, जो कि बेहतरी का काम कर सकते हैं वो करें। अफसोस चंद एक चीज़ों का होता है ज़रूर, और वो ये होता है कि देखें बहसियत इदारा, ये बड़ी अच्छी बात की कि ये एक एक्सीडेंट था, हादसा था, इसके पीछे किसी भी सूरत में कोई ऐसे अमल का दखल नहीं था जहाँ पर या तो बहसियत इदारा किसी ने कोई चीज़ करने की कोशिश की हो, या ऑल्दो जो ड्राइवर है उसको सज़ा पूरी मिलेगी, लेकिन मुझे इस बारे में मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि कोई भी ड्राइवर कभी भी जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता, और जो भी उसकी गलती होती है उसकी सज़ा उसको अपनी जगह मिलेगी, लेकिन दिल में उसको भी इस चीज़ का भरपूर एहसास होगा। तो इस वजह से ये जो हम मुख्तलिफ रंग दे देते हैं आजकल ऐसी चीज़ों को, जिसकी वजह से एक खाम खा के इख्तलाफात जन्म देते हैं, मेरे नज़दीक यहाँ पे रहने वाले तमाम लोग मुहिब वतन हैं, यहाँ पे रहने वाले तमाम लोग शाना बशाना हर जगह पे हर महाज पे लड़ चुके हैं, मेरे साथ बहुत लोग शहीद हुए हैं जो इस इलाके के रहने वाले थे, मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखी हैं आपकी कुर्बानियाँ, इसलिए हमें किसी भी किस्म के इस तरह के मसले मसाइल को ना दूसरा रंग नहीं देना चाहिए। एक तो ये मेरी दरख्वास्त होगी तमाम लोगों से। अब जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं आपसे अभी हमने जाना है अलहदगी में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, और इस चीज़ के बारे में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी लवाहिकीन आज यहाँ बैठे हुए हैं इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा हमारे से हम इनके साथ भी खड़े हैं, और हर मुमकिन जिधर से भी मर्जी जो कुछ करना पड़े ना, ये मेरा वादा है कि इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसकी तफसीलात हम नीचे जाके बात करेंगे। ठीक है, आखिर में ये आप तमाम लोग भी जो यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे ख्याल में जिस तरीके से आप लोगों ने इससे पहले भी हर जगह मदद की है और आज भी आप सारे यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह सब्र और हौसले के साथ आपने इस आने के दौरान मैं कहूँगा नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया है, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरे ख्याल में ये बहसियत कौम हमारी बहुत बड़ी ताकत है कि हम लोग मुश्किल वक्त में हमेशा इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये बहुत मुश्किल वक्त, ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त, और मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ और इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि इनको इंसाफ मिले, बल्कि हम इनके ये तमाम घरानों के, इनके बच्चों के और बाकी जितने लोग हैं उनके लिए भी वो हर मुमकिन मदद करें और वो हर चीज़ करें जो कि किसी भी जगह पे इनके लिए सहूलत का बायस बनता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकअल्लाह आप सारे यहाँ पर आए। आखिर में एक बार दोबारा दुआ कीजिए अल्लाह ताला।